गोमती नगर के लिटिल फ्रेंड्स स्कूल में आज चैंपियंस ऑफ चैंपियन कराटे एकेडमी ने गोल्ड मेडलिस्ट जो नेशनल इंटरनेशनल गेमों में मेडल जीत के बच्चे उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया। हमारे साथ यहाँ मुख्य अतिथि मौजूद थे डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जो इग्नू में रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में किस तरीके का आयोजन रहा, बच्चों को क्या दिया गया? जी देखिए, कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश से संबद्ध चैंपियन ऑफ चैंपियन कराटे एकेडमी द्वारा आज ये बेल्ट ऑनरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों को विभिन्न बेल्टों से सम्मानित किया गया और इसमें 25 बच्चे ब्लैक बेल्ट पाए। और साथ ही साथ जो ICSE बोर्ड के जो गेम्स आयोजित होते हैं, स्कूल नेशनल गेम्स, उसमें जो बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है उनका भी आज सम्मान यहाँ पर किया गया। मैं सभी पेरेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी ट्रेनर्स को और जो भी यहाँ उपस्थित लोग थे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए थे, उनको मैं एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स और गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सहयोग देता है। मगर कराटे जो स्पोर्ट्स है उसमें एक अच्छी बात ये है कि इससे आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, साथ ही साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण के गुण सीखते हैं, जिससे न केवल आपकी रक्षा होती है अपितु दूसरों की रक्षा होती है। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कराटे सीखना, आत्मरक्षा की तकनीकें सीखना बहुत आवश्यक है। सर, जैसे इस तरह के आयोजन से, जैसे कराटे हो गया, ताइक्वांडो, इस तरह के जो स्पोर्ट्स है, इसमें फीमेल को, खासकर लड़कियों की भी, उनको काफ़ी मतलब बिल्डअप मिलता है उनसे अपने आत्मरक्षा करने के लिए सहूलियत, तो इसके बारे में लड़कियों को इस फील्ड में कितना आगे आना चाहिए? देखिए, हमारी जो प्रदेश सरकार है उसने मिशन शक्ति 4th फेज का इस समय आह्वान कर रखा है, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को विभिन्न आत्मरक्षा की तकनीकों के विषय में प्रशिक्षित किया जा रहा है। और कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जसपाल सिंह जी के नेतृत्व तो मैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चियों को कराटे स्पोर्ट सीखने के लिए और विभिन्न जो खेल कूद हैं उसमें बहुत आगे आना चाहिए, और इसके लिए उनके अभिभावकों का, उनके गार्जियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको, बच्चियों को प्रेरित करना चाहिए कि जैसे वो हमारे जो जनपद है उसका नाम रोशन कर सकें, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और हमारा जो देश है भारत उसका नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति सिंह जी। इनका साफ कहना है कि जो कराटे इस तरह के स्पोर्ट्स है, इससे बच्चों में, खासकर प्लेयर्स में, आत्मरक्षा की भावना बढ़ती है और इस ऐसे खेल के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कि सरकार भी तरह तरह की प्रोत्साहन की स्कीम निकालती है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम युवराज विक्रम सिंह है और मैं CIS सिटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 7th में। तो आपको आज इसमें किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया और आपकी क्या कैटेगरी है कराटे में? मैं सब जूनियर में रहता हूँ, एज 13, और मैं आज ब्लैक बेल्ट से सम्मानित हूँ। ब्लैक बेल्ट अभी। आपको कराटे सीखने का शौक कैसे, मतलब क्या, कब आपसे कराटे सीखना शुरू किया आपने? जैसे स्टार्टिंग में तो पहले मैंने सोचा कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम जब हुआ तो उसके बाद मैं ऐसे रेगुलर होकर, मतलब आदत पड़ गई, तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल लगा सब कुछ। अब आपको कराटे अच्छा लगता है? जी जी। तो आगे आपको कराटे में फ्यूचर बनाना है? जी जी जी। कहाँ तक खेलने की आपकी ख्वाहिश है? अब इंटरनेशनल तक ही खेलेंगे। इंटरनेशनल तक? हाँ। ठीक है, तो हमारे साथ कराटे के बैक बेल्ट, इनका कहना है कि ये अभी आगे इंटरनेशनल तक खेलने की कोशिश करेंगे और अब इनको कराटे स्पोर्ट में बहुत ही मज़ा आ रहा है। कराटे में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट वैभव पांडे जी हमारे साथ मौजूद, हम इनसे भी बात करेंगे। वैभव पांडे जी, बताइए आपको इस उपलब्धि पर कैसा लग रहा है? अच्छा तो बहुत लग रहा है, दूसरी बार मेरा नेशनल में गोल्ड लगा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी आगे और SGFI खेलेंगे, उसमें भी गोल्ड मेडल लाना है। तो आप कब से कराटे की फील्ड में, कब से कराटे खेल रहे हैं? 4th क्लास से, 2017 से मैं कराटे कर रहा हूं मैं जी। अभी मेरा 8वां साल चल रहा है अभी कराटे करते हुए। अभी आगे आपके क्या लक्ष्य हैं, कराटे में कहां तक आप जाना चाहते हैं? ओलंपिक्स तक खेलने का अभी एम तो बनाया है, अभी देखते हैं कितना आगे जाते हैं, अभी ओलंपिक्स तो जाएंगे। अभी तक आप कितने गोल्ड और कितने मेडल पा चुके हैं? लगभग कराटे 8 साल हो गया आपको ना, 8 साल में लगभग कितने मेडल आपने जीते? अब ऐसे गिनती तो नहीं याद है मुझे, लेकिन कई सारे मेडल जीते हैं मैंने, इतना मैं कह सकता हूँ। कई बार मैंने नेशनल खेला है, कई बार स्टेट भी खेला है मैंने, और उसमें कई बार मेरा गोल्ड मेडल लगा है। अभी एग्जैक्ट काउंट तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन नियर अबाउट मैं 4-5, मतलब ऑफिशियल नेशनल मैंने 3-4 बार खेला है और ओपन नेशनल भी मैंने 6-7 बार खेला होगा, तो उन सब में ज़्यादातर मेरा गोल्ड आया था, तो मतलब 8-9 गोल्ड मेडल होंगे मेरे। ये नेशनल लेवल में आपके 8-9 गोल्ड होंगे, ओपन और ऑफिशियल सब मिला के।
ये थे हमारे साथ वैभव पांडे जी, गोल्ड मेडलिस्ट। इनका कहना कि अभी ये ओलंपिक तक खेलने की इनका इच्छा है और ये नेशनल इंटरनेशनल ओपन में भी कई बार पार्टिसिपेट करिए, अधिकतर इन्होंने गोल्ड जीता है। हमारे साथ कराटे फेडरेशन के चीफ एग्जामिनर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि चौरसिया है जी। सर आज ये आयोजन हुआ था, ये जहां बच्चों को सम्मानित किया अवार्ड, ये किन बच्चों को दिया गया, इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये था कि जब बच्चे कराटे सीखते हैं तो उनकी ग्रेडिंग होती है, जब ग्रेडिंग होती है तो ग्रेड वन से लेकर ब्लैक बेल्ट तक उनको कुछ बेल्ट्स पास करनी होती हैं, और वो कुछ समय के बाद, कभी कोई 6 महीने के बाद, कोई कोई साल भर के बाद ये टेस्ट दिए जाते हैं। आज के दिन चैंपियन ऑफ चैंपियंस कराटे एकेडमी के तत्वाधान में यहाँ पर उन बच्चों का बेल्ट का सेरेमनी था, जिन बच्चों ने अपनी बेल्ट की ग्रेडिंग पास की थी। तो सर जो ये बेल्ट पाने के बाद इससे मतलब एक वो होता होगा स्टेप होता कि इस स्टेप के बाद इसमें कोई खास जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप हो क्या है, कौन सी बेल्ट होती है कराटे? नहीं, कराटे की कोई लास्ट बेल्ट नहीं होती। लोगों के जहन में जो चीज़ पता है कि ब्लैक बेल्ट ही सबसे बड़ी बेल्ट है, लेकिन ब्लैक बेल्ट के बाद भी कई डांस की ग्रेड होती हैं, और कराटे तो एक लाइफ टाइम का खेल है जी। ये एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि जो भी कराटे सीखता है उसको अपनी पूरी ज़िंदगी इसको सीखते रहना होता है। और बस आपके माध्यम से ज़रूर बता दूं छोटी बात कि केवल ब्लैक बेल्ट ही नहीं होती है लास्ट स्टेज, उसके बाद और डैन ग्रेड होते हैं जो भी 10 डैन ग्रेड तक जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ चौरसिया जी, इनको साफ कहना है कि कराटे सीखने की इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक चाहे तो सीख सकता है, और बेल्ट के अलावा इसमें ग्रेड होते हैं, जो आदमी जैसे जैसे अचीव करता वो उस ग्रेड में जाता रहता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।